नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अनुच्छेद 370 को लेकर अभी तक विवाद थमा नहीं है। अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, बावजूद इसके इस अनुच्छेद को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि कश्मीर में जो हालात हैं उस पर बोलने के लिए हमने संसद भवन में समय मांगा, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया। देश की जनता को पता चले कि वास्तव में लोग कैसे रह रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है, क्या वो बाकी मुल्क के साथ आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। संसद सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में अब भी हालात सुधरे नहीं हैं। बाकी देश में इंटरनेट 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G आने वाला है, लेकिन वहां पर अब भी 2G से लोग काम चला रहे हैं। ऐसे कैसे नौजवान आगे बढ़ेगा, वहां के हालात के बारे में देश को बताना चाहते हैं। दूसरे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जमाना बदल गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें शक है कि यदि किसी दिन ऐसा तूफान आएगा उसको रोक नहीं सकेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार चीन के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है उसी तरह से उलझे हुए मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 5 जुलाई 2019 को जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया था। पाकिस्तान और उनके साथी चीन ने इसका विरोध किया था। हालांकि भारत ने उन्हें देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति आज ऐसी है जहां प्रगति होनी चाहिए वहां प्रगति नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे बच्चे और दुकानदारों के पास 4G फैसिलिटी नहीं है जो हमारे पास हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर है। वो तालीम कैसे ले सकते हैं जबकि सब कुछ आज इंटरनेट पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।